नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम के न्यूज चैनल सच का साथ। इस वक्त की खबर हमीरपुर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर युवती ने पुलिस पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप और यहां पर पैरवी करने का आरोप पुलिस ने किया। मारपीट की धाराओं का मामला हमीरपुर जनपद में युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने का मामला सामने आया है, जबकि युवती ने पुलिस पर पैसा लेकर समझौता कराने का भी आरोप लगाया है, जबकि क्षेत्रवासी मोधाट से निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया है। मामला है हमीरपुर जनपद के विमवार थाना क्षेत्र के एक गांव का, जहां की पीड़िता ने गांव के ही कुछ युवकों पर छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, पीड़िता ने अपनी तहरीर में चौकी प्रभारी कुनहेटा पर पैसा लेकर राजीनामा कराने और विमवार थाना प्रभारी पर अपनी मनमाफिक तहरीर लिखवा कर मामला दर्ज करने का भी आरोप लगाया है। क्या हुआ बेटा? हमारे साथ बस सड़ी थी, सो काम करते हैं, कंकड़ पत्थर भी मारा है और बीच सड़क में झेक झपट के बदतमीजी करने के लिए कोशिश कर रही है उनमें, और किया भी है। पूरे गले वाले में खरोंच आ गई थी, इसकी डॉक्टरी भी हुई है, और वो लोग बहुत ही गुंडे टाइप के आदमी है। ये था कि थाने में रिपोर्ट को लिखाई है? हाँ, लिखवाई है, लेकिन वो लोग कोई सुन नहीं रहे। अब आप यहाँ सी ऑफिस में आई? हाँ। तो क्या कह रही है? वो कह रही है कि आपके साथ में कार्रवाई की जाएगी और पुलिस जाएगी आपके गाँव। न्याय होगा? हाँ। धीरेन्द्र जी, अरुण कुमार, राजवीर, और इसके बाद दीपक। क्या किया इन लोगों ने? इन्होंने जो है लड़की के साथ में अश्लील हरकत, भद्दी भद्दी गालियां, छेड़खानी, मतलब कुल मिलाकर के पकड़ने की कोशिश, मतलब कुल मिलाकर के पूर्ण रूप से गुंडाई पे आमादा अराजक तत्व, उनसे हमें भविष्य में कभी भी हम सुरक्षित नहीं। तो आपने इसको लेकर कहाँ कहाँ गए हैं? क्या हम इसको लेकर के चौकी गए, हम लोग थाने भी गए। वहाँ पर चौकी प्रभारी ने हमसे कहा कि आप कुछ ले दे करके सुलहनामा कर ले। हमने कहा ये खानाबदोशी आदमी है, ये उस चीज़ को समझेंगे ही नहीं। हम लड़ाई लड़ने वाले आदमी नहीं, हम बेहद मतलब सामान्य जीवन जीने वाले आदमी हैं। अपने बाल बच्चों के पालन पोषण करने के लिए हम विशेष मतलब इंटरेस्ट रखते तो हैं। थाना भी वहाँ पड़ता है? हाँ। तो वहाँ क्या कहा उन्होंने? वहाँ उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट आप झूठी लिखवा कर लेकर के आए। रिपोर्ट नहीं लिखी गई यार? रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उन्होंने फिर अपने हिसाब से सिपाही को और मुंशी को बुलवा करके जो उन्होंने मुँह से बोला और बच्ची से उन्होंने लिखवाया, वो एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की। वो एप्लीकेशन हमने कहा चलो ठीक है सर, आप अधिकारी हैं, जो कुछ भी आप करेंगे। इसके बाद आप कहाँ आए यहाँ? इसके बाद हम लॉकडाउन के कारण हम आने जाने में देहात के आदमी असमर्थ रहे। अब जब थोड़ा हमें कोई व्यवस्था बनी हमारी आने जाने के हिसाब से, तो फिर हम यहाँ आए सीओ साहब के पास और कहीं नहीं गए। सीओ साहब ने क्या कहा? सीओ साहब ने कहा कि आपके यहाँ 2 बजे हम पुलिस पहुँचाएंगे और हम आपको न्याय दिलवाएंगे। न्याय का भरोसा दिलाएं। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।